हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या करें। जैसे कि प्ले स्टोर में हम जाते हैं और यहां पर कोई भी ऐप सर्च कर ले करते हैं। मान लीजिए मैं गूगल पे सर्च किया। जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जो भी ऐप आप सर्च करेंगे तो आपके सामने वो ऐप आ जाएगा। अब जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पेंडिंग लिखा हुआ आ जाता है। किसी दूसरे ऐप की बात कर लेते हैं, जैसे फ़ोन पे हम सर्च करते हैं। फ़ोन पे सर्च करते हैं, जैसे ही आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं सीधा पेंडिंग में दिखाता है और वो इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसका सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको तो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद आपको अपने मेन प्ले स्टोर के मेन पेज पर आ जाना है। प्ले स्टोर के मेन पेज पर जैसे ही आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, कुछ ऐप्स वो करेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके जीमेल आईडी का जो लोगो है या जो फोटो आपने लगाया होगा, आप अपने इस जीमेल वाले लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जनरल पर जाना है। जनरल पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑटो अपडेट ऐप, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेन रीज़न यहाँ पर है। आपको इसमें से डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक करना है एंड डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से एकदम बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट खोजना है। मेरा मोबाइल इन्फिनिक्स हार्ट 10 का है तो मेरे में ऐप मैनेजमेंट लिखा है। अगर आपका मोबाइल किसी अदर कंपनी का है तो उसमें आपका ऐप्स लिखा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग पर जाने के बाद आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ढूँढना है। तो चलिए मैं गूगल प्ले स्टोर ढूँढता हूँ। तो कहाँ पर है, तो ये रहा गूगल प्ले स्टोर, देख सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है क्लियर स्टोरेज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसे आपको ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद आपके सामने कुछ ये वाइट सा पेज हो जाएगा। अब बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है स्टॉप, इस पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। अब देखिए ये भी वाइट हो गया। उसके बाद एकदम पूरा बैक आना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अब हम फिर डाउनलोड करेंगे किसी ऐप को। तो अभी प्ले स्टोर मेरा खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ये प्ले स्टोर खुल गया तो देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप है। हम कोई ऐप सर्च करते हैं तो चलिए हम गूगल पे ही सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने गूगल पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पर हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही अब ये इंस्टॉलिंग होने लगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आए हुए बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।